गाइस ऐसे आपको सिम कार्ड मिल जाते हैं 5 दिरहम के, डू और इत्तिसलात दो ही सिम है, 5 दिरहम का है। तो ऐसे छोटी छोटी शॉप में आपको मिल जाता है, आपके एमिरेट साइड या पासपोर्ट से भी, और आपको पोस्टपेड प्रीपेड जो लेना है वो भी मिल जाएगा। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका चैनल टीवी विक्रांत में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो ने बहुत ज़्यादा गजब और मज़ेदार, मैं हूँ आज बड़ दुबई में। तो गाइस आप जो भी लोग विजिट में आने वाले हैं दुबई, तो उनके लिए बताने वाला हूँ कि बड़ दुबई क्यों बेस्ट है। मैं भी बड़ दुबई में आया था जब सबसे पहले आया था। तो पूरा करते हैं बड़ दुबई एक्सप्लोर साथ में, और करते हैं मज़ा और खाते अपना देसी खाना। इस जगह की खासियत क्या है, यहाँ पे आपको 1 दिरहम में 20 पेज की मिल जाती है, ठीक है गाइस। सीवी टाइपिंग, लेमिनेशन बुक, मतलब अपना तो क्या है ना, अगर आप दुबई आते हैं तो आपको सीवी प्रिंट करना होता है, तो सीवी क्या है बहुत महंगी पड़ती है, कहीं कहीं पे आपको 2 दिरहम की एक सीवी मिलती है। तो गाइस आपको यहाँ पे सिर्फ 1 दिरहम में 20 पेज की सीवी मिल जाती है, और ये बड़ दुबई है, ठीक है गाइस। अभी जब मैंने स्टार्ट किया है और मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। आ जाओ, अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे बड़ा पाव, तो आपको दिखाता हूँ बड़ा पाव कैसे बनता है। आज ये रेस्टोरेंट है वैभव रेस्टोरेंट, और यहाँ पे बड़ा पाव आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिरहम का। काफ़ी ब्लॉगर लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई है, तो हमने भी पहले खा रखा है, तो आज जब हम पास हो रहे हैं हमने कहा चल यार ट्राई करें। तो ये है बड़ा पाव यहाँ पे 3 दिरहम का। गाइस उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको ट्रैवल एजेंसी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, बहुत ज़्यादा। ये जैसे एक यहाँ पे शॉप है, इसके अलावा भी और है बहुत सारी है, तो बस हम रास्ते में चलते रहेंगे, आपको दिखाते रहूँगा कि क्या क्या है। गाइस मैं आपको एक खासियत बात बता दूँ, दुबई में इस तरह की रोटी मिलती है, आप देख सकते हैं 1 दिरहम है, तो 1 दिरहम की रोटी होती है, अगर आप एक भी खाएंगे तो इनफ होगा। जब मैं यहाँ पे दुबई में नया नया आया था तो मैं बस ये रोटी खाया करता था, क्योंकि तो ये होता ना इजीली मिल जाती है। आप किसी से भी पूछ लो जो दुबई में पुराने से पुराने, तो सब लोग यहाँ पे हमारे जो अफगानिस्तान के भाई लोग हैं ये हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सब्जी बनाओ रोटी भाई यहाँ ले लो। और आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर है, और कितनी गर्मी में बना रहे हैं, और फिर रेट क्या है 1 दिरहम, और आप देख सकते हैं गाइस। तो फिलहाल तो अभी हमें नहीं चाहिए, और ये भाई डिलीवरी करने जा रहे हैं, डिलीवरी करते हैं कहाँ तक भाई जान, सतुआ तक। तो गाइस सतुआ तक करते हैं, और काफ़ी हार्ड काम है गर्मी में, जैसे साइकिल होती है इनकी, यहाँ पे साइकिल में डिलीवरी करते हैं। तो गाइस अभी जो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया बड़ दुबई, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बस वीडियो में बने रही है एंड तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें अपना लाइसेंस चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये लोग आपको क्लीनिंग का लाइसेंस दे रहे हैं 13,000 दिरहम में, और कुछ फीस भी है 2,000। तो शॉप का नाम मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मेरे सामने चीज़ आई तो मैंने आपको बता दिया। और भी जगह है जहाँ पे आपको कम से कम रेट में आपको मिल जाते हैं, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। आलिम भाई कैसे, आलिम भाई ठीक है, बस इनका भी इंटरव्यू लेना, बहुत जल्द टाइम नहीं मिल पा रहा है, और साथ में हमारे सोनू भाई। तो सोनू भाई कैसा लग रहा है बड़ दुबई? तो गाइस आज हम लोग आए बड़ दुबई घूमने तीनों यूट्यूबर, तो आज आगे ब्लॉग बनाया विक्रांत भाई के साथ में, तो एंजॉय करो वीडियो यार। तो गाइस हमारे साथ अपने टीम सोनू भाई, आलिम भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर है, और सबसे मजेदार चीज इंडिया का गोलगप्पा। तो आज ये साथ में गोलगप्पा करते हैं, गोलगप्पे का एंजॉय। भैया कैसे हो, एक प्लेट गोलगप्पा लगा दो। तो गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे दुबई में गोलगप्पे मिलते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं है पानी पूरी 4 दिरहम, रगड़ा मसाला बहुत कुछ है गाइस। तो यही मजा है बड़ दुबई में रहने का गाइस, कि क्या होता है बड़ दुबई में आपको सब कुछ मिल जाता है, A to Z। ऑलरेडी सीवी की सस्ती दुकान, रोटी दिखा चुका हूँ ठीक है ना गाइस, और क्या बोलते हैं मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी यहाँ पे अपना इंडियन खाना ठीक है गाइस। जैसे कि आप सबको पता है, सबकी टेंशन होती है अली भाई कि ना दुबई में ना वेज खाना नहीं मिलता, जो हमारे इंडियन लोग ऐसा कुछ भी सीन नहीं भाई, वो भी दिखाने वाला हूँ। आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी, वो सामान यहाँ पे मिल सकता है, वो खा सकते हो। बहुत से आज ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है कसम से। गर्मी कैसे हो रही है? मस्त है एकदम, देखो गर्मी अच्छी हो रही है अली भाई। देखो हमारे भैया कैसे हो, एक नंबर। तो गाइस हम खा रहे हैं अभी अपने गोलगप्पे, डाली चटनी, और
दो द्रम का एक किलो, आलू भी दो द्रम का एक किलो और टमाटर भी दो द्रम का एक किलो और यहाँ पे पनीर भी मिलता है जो कि 20 द्रम का एक केजी। यार आप सब मुझसे पूछते हो कि दुबई आऊंगा तो प्योर वेज खाना मिलेगा, तो यार ये देखो वेज थाली पूरी 9 द्रम की, ठीक है ना, जैन थाली 9 द्रम, राजमा विद राइस कट सलाद 6 द्रम, पनीर भी 6.5, छोले, ऐसा लग रहा मैं ढाबे में काम कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है ना, ये प्योर है यहाँ पे, मतलब मीट मच्छी वाली बात नहीं है और प्योर वेज है। साथ में आपका आम पन्ना और मैंगो शेक थे 4 द्रम का और देसी नमकीन है। विक्रांत भाई हम भी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं ट्रैवल एजेंसी, कुल्फी थोड़ा महंगा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी मिलती है वैकेंसी, रिक्वायर्ड वेटर कैशियर और कुक, तो ऐसी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इस जगह पे आपको लाइन से बिल्कुल मोबाइल की शॉप मिलती है यहाँ से पूरी और उस तरफ भी, ये है आपका मीना बाजार का एरिया। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपके ड्रोन है, ठीक है ना, ड्रोन है, गोप्रो है, गिम्बल वगैरह है और DSLR वगैरह अंदर है। तो आपने मोबाइल के, गोप्रो के, मतलब एसेसरीज के ब्लॉग तो आपने काफ़ी लोगों के चैनल में देखे हैं, मैंने भी काफ़ी आईफोन की वीडियो बनाई है। तो फिलहाल आज हमारा कोई प्लान नहीं है मोबाइल का, जस्ट हमारा प्लान है बढ़ दुबई को एक्सप्लोर करना। जो मतलब मजेदार चीज, तो यहाँ पे ऐसे मिलते हैं बेड स्पेस, तो आपको ऐसे ऐसे पोस्टर मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं बेड स्पेस एग्जीक्यूटिव और बैचलर के लिए है, जिसमें आपको वाईफाई किचन और बाथरूम मिलेगा अटैच कंप्यूटर मार्केट में। तो ऐसे यहाँ बेड स्पेस के आपको पोस्टर मिल जाते हैं, ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं रूम का भी है, रूम अवेलेबल है जिसमें बैचलर का रूम है 2500 से 2800, फैमिली रूम 2000 से 2300, पार्टीशन 1200 से 1500, बेड स्पेस जो कि आपका हॉस्टल वाला होता है 400 से 500। तो ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए होते हैं, आप मतलब पूरा बढ़ दुबई घूमोगे ना आपको ऐसे बहुत सारे पोस्टर मिल जाएंगे। उसके अलावा आप डिविजन में चेक कर सकते हो, तो डिविजन में आपको मिल जाएगा। ये खास इन्फॉर्मेशन है जो मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं अली भाई जो आ रहे हैं ना दुबई की कितना खर्चा आएगा, तो गाइस बेस्ट एरिया है दोस्तों, बेस्ट एरिया यहाँ पर रहने के लिए, आपको सारी सुविधा मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेट्रो बस हर चीज़ यहाँ पर, रूम भी आराम से आप सर्च कर सकते हो। यार ये 2 PM लूंगा माउंटेन ड्यू नहीं है। वीडियो बना सकते ना मुश्किल तो नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप नेपाल से देख रहे हैं या नेपाली हमारे जो भी हैं, तो गाइस दुबई में मिलता है आपको डल्ले खुर्सानी बोलते हैं इसको। मजे की बात तो ये है कि मैं खुद एक नेपाली हूँ पर मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे आपका लेडीज ब्यूटी पार्लर भी है और काफी अलग अलग रेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आइए मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइस अभी फाइनली मैं खड़ा हूँ बॉलीवुड, आप देख सकते हैं है 1 to 10 की शॉप, ठीक है ना, और आप देख सकते हैं आसपास अभी कितने लोग हैं यहाँ पे। तो ये है विदेश की जिंदगी, यानी विदेश में एक दिन का मजा करना। तो ये फ्राइडे आज सबकी छुट्टी होती है मोस्टली, जो भी लोग हैं रिटेल वगैरह की नहीं होती। तो आप देख सकते हैं शॉप यहाँ पे लगेज वगैरह है, तो काफ़ी यहाँ पे सस्ता आइटम मिलता है बॉलीवुड 1 to 10, यानी कि अगर जो भी अगर मैं सब्सक्राइबर दुबई से देख रहा है ना उसको तो मालूम ही होगा कि इस जगह के बारे में। और ठीक आपका उस तरफ है कैरी फोर और उसी के पास में आपका है पार्क, तो वहाँ जाने वाले हैं। अपना कचरा
हैं फेंके। आप देख सकते हैं लोग घूम रहे हैं और किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने काम से काम है, यानी सब जॉब करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग जॉब करने वाले हैं। और उस तरह आपका नज़ारा आपका डेरा का है, इधर बड़ दुबई है और ये बोट से आप बड़ दुबई से डेरा है, डेरा से बड़ दुबई आ सकते हैं। सिर्फ एक धर्म की राइड है, तो काफ़ी लोग राइड करते हैं, इसमें जो ड्यूटी करते हैं, कुछ बड़ दुबई रहते हैं, कुछ डेरा जाते हैं। और ठीक उधर हमारा मंदिर भी है, तो कभी जाएंगे पूरा मंदिर का ब्लॉग बनाने। अगर आप थोड़ा सा आगे जाके उधर मंदिर है, शायद अभी बंद है, तो कभी खुलेगा, तो अभी मंदिर क्लोज है, अभी ओपन होगा तो जाएंगे जरूर, उधर ब्लॉग बनाएंगे, मंदिर का ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल यहीं से दर्शन कर लेते हैं और बोट की राइड। और शाम का नज़ारा ये है दुबई का। ये जगह मेरे को क्यों फेवरेट है गाइस, जब मैं विजिट में आया था तो मैं बड़ दुबई में रहता था, तो मैं शाम को यहाँ पे आके बैठता था गाइस। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ ठंडी हवा चल रही है। अभी तो काफ़ी बदलाव आ चुका है 4 साल के अंदर, पर इसके अलावा अभी हम जाएंगे पार्क में सीधा। ये है आपका बड़ दुबई सिंधगा यानी कैलिफोर्निया के पास जो पार्क है, और काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग आप देख सकते हैं आप पास बैठे हुए हैं। और जब मैं विजिट में था ना, मैं शाम को आके यहाँ बैठता था। अभी फ्राइडे है तो भीड़ जाती है, पर और दिन में नॉर्मली भीड़ कम ही रहती है। तो गाइस कभी टेंशन हो ना इधर, अगर विजिट में और काम नहीं मिल रहा हो, प्रेशर आ रहा हो, तो यहाँ आके 1 घंटा बैठो और बहुत अच्छा लगेगा। देख सकते हैं गाइस बिल्कुल सब रिलैक्स बैठे हैं एकदम। आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गाइस वहाँ पे हमारे भाई लोग बस कार्ड रिचार्ज कर रहे हैं, तो मशीन में आप अपना कार्ड रिचार्ज इसलिए कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दुबई की बस देखते हैं। यह है दुबई की बस, दुबई की बस ऐसी होती है, ये सिंगल वाली है, ठीक है गाइस। कुछ बस के पीछे एक और बस जुड़ी होती है जैसे कि ट्रेन की तरह, और आपको उधर देखने को मिलता है डबल वाला बस, ठीक है, डबल डेक वाला बस, एक ऊपर एक नीचे। और इधर आपको देखने को मिलता है आपका अल मदीना सुपर मार्केट, ये आपको यूए के किसी भी कोने में मिल जाएगा। आपका है अल गोबेवा बस स्टेशन, और यहाँ से आपको हर जगह की बस मिलती है, शारजा, अजमान, अबू धाबी, ये है, और एक यूनियन, तो आपको दोनों जगह से हर जगह की बस मिलती है। ये आपकी दुबई की बस। गाइस कैसा था आज का ब्लॉग, होप आपको मजा आया होगा, और जो दुबई आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी मिली होगी कि कैसे अपना सीवी से प्रिंट से लेकर ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो, ए टू जेड, खाना पीना, मैंने सब आपको इस वीडियो में बताया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिप, और इसमें क्रूज बोलते हैं, और इसमें शो चलता है, तो काफ़ी मनोरंजन होता है, खाना पीना, अनाज खाना सब होता है। जैसे आपने डेड सफारी के ब्लॉग देखे होंगे, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। इन फ्यूचर का भी हम ब्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर भी। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं आज यहीं पे एंड, क्योंकि शाम हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ऐसी मजेदार चीज़ों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I'm not afraid to die.